पटना के लोग अब बहुत जल्द अपने शहर में बड़े बदलाव देखने वाले हैं। जल्द ही पटना का पूरा लुक बिल्कुल बदल जाएगा। बिहार की राजधानी में अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आने वाली है। दिल्ली मुंबई की तरह पटना भी अब बड़ी इमारतों से जल्द घिर जाएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में जिन नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दी गई है उनसे शहर में इमारतों के निर्माण में कई अहम बदलाव देखे जाएंगे। अब बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि अब अगर किसी व्यक्ति की पटना में जमीन थोड़ी कम है तो भी फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कम जमीन पर भी ऊंची इमारत खड़ी की जा सकती है। नए बायलॉज के तहत अब 40 फीट और उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर बिल्डिंग की ऊंचाई पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां लोग पहले 50% जगह खाली छोड़ते थे उन्हें उसकी जगह अब 60% जगह खाली छोड़नी होगी। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग का निर्माण जमीन के 40% हिस्से पर होगा और बाकी की जगह को खुला रखना होगा। पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। कंकड़बाग, बेली रोड जैसे इलाकों में G+4 से ऊंची इमारतें बनाने की मंजूरी तक नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इन इलाकों में जहां भी 40 फीट से चौड़ी सड़क है वहां ऊंची इमारत खड़ी की जा सकती है। नए बिल्डिंग बायलॉज से बिल्डर को 11 मीटर ऊंची इमारत में 3 माले बनाने की कठिनाई अब दूर होगी। नए बायलॉज के तहत अब 12 मीटर में 3 माले और 16 मीटर में 4 मालों का निर्माण की अनुमति रहने वाली है। पटना के पुराने मोहल्ले जहां सड़कें 40 फीट से चौड़ी है वहां भी लोग अब बड़ी इमारतों में रहने का लुत्फ उठा पाएंगे। अब तक पटना में सबसे ऊंची इमारत 16 मालों की बनाई गई है, लेकिन इन नए बायलॉज को अनुमति मिलने के बाद अब और बड़ी बड़ी इमारतें भी पटना में जरूर नजर आएंगी। एक खास बात यह है कि इससे फ्लैट की कीमत पर भी असर पड़ने वाला है, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। पहले छोटे प्लॉट पर इमारत बनाने में काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब छोटी जगह में बड़ी इमारत बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों को पहले जमीन की कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से फ्लैट के दाम भी बढ़ जाते थे, लेकिन अब कम जमीन में जब ऊंची इमारत बनेगी तो फ्लैट के दाम में भी कुछ हद तक गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि फ्लैट खरीदने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और लोग फ्लैट खरीदने से पहले अब पहले की तरह 1000 बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो फ्लैट्स के रेट हैं उनमें गिरावट दर्ज की जाएगी। आप देख रहे थे लाइव सिटीज से सौम्या राठी की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।